Subscribe to my YouTube channel and press the bell button to get all notifications. And click here for the description. Assalamualaikum friends, welcome to the Hania's technical channel. So friends, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त सी नई वीडियो के साथ जिसको फॉलो करके आप मिलियंस पे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अब ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, मैं आपको लीव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करके मिलियंस पे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं और आपने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेस शो नहीं करना चाहते तो ना करें, फेस शो नहीं करके भी आप मिलियंस पे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, आपने वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। हर पार्ट में मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर की है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको 3-4 तरह से एनिमेशंस क्रिएट करना सिखाऊंगी। और तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मिलियंस पे व्यूज हासिल कर रहे हैं बस छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करके। तो यहाँ पर मैं आपको लीव एप्लीकेशन ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए आपने यूट्यूब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सर्चिंग बार पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है ABC। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की हर वीडियो में मिलियन पे व्यूज़ है। तो मतलब क्या हुआ, इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर, मतलब इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर मिलियंस पे ट्रैफिक है। आप लोगों को जस्ट बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको किड्स रिलेटेड वीडियो बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABC वाली वीडियोस होंगी, अलिफ बे वाली, 1-2 वाली। और इसके बाद अगर आपका दिमाग स्टक हो जाए और आपका ये सोचना बनता भी कि यार ABC, अलिफ बे, 1-2-3 के बाद फिर हम क्या करेंगे आगे, तो ऐसे टॉपिक बताऊंगी कि लाइफ टाइम के लिए ना, मतलब वो सारे टॉपिक आपको कवर करने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतने टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और सारा मतलब कि आपने एक ही टेम्पलेट बना के रख लेना है, बस एक बार की मेहनत होगी और बार बार उसी को यूज़ करते जाएं और बेनिफिट उठाते जाएं। तो दोस्तों, ये सारा काम मैं आप लोगों को आपके मोबाइल में करना सिखाऊंगी और इसके लिए जस्ट हमें एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर। उस पर ही हमारी सारी वीडियोस क्रिएट होंगी। तो गाइज, अगर आपके पास काइन मास्टर है तो उसे ओपन कर लीजिए, और अगर नहीं है काइन मास्टर का प्रो वर्जन आपके पास, तो इसके लिए काइन मास्टर से रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको काइन मास्टर में लेयर एड करने में प्रॉब्लम होती है या फिर वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपनी उस वीडियो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने 16:9 पर क्लिक करना है। 16:9 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने टिक मार्क पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से आपने वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड वाली लाइन पर क्लिक करके इस तरीके से बैकग्राउंड को लॉन्ग प्रेस करके इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने अगेन ऊपर टिक मार्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से टाइप कर लेना है हमें ए टाइप करने के बाद यहाँ से हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से खींच के इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर वाइट है, टेक्स्ट का कलर चेंज करके हमने रेड कर लेना है। यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने टिक मार्क पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से हमने साइड में आना है, कॉर्नर पर, और यहाँ से हमें शेडो के आइकन पर क्लिक करना है। शेडो के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे इनेबल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करके हम इसका कलर यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने टिक मार्क पर क्लिक करना है। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद अब आप ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जितना इसे बढ़ाएंगे इस तरीके से इसका बैक पर शेडो आएगा। तो आप जितना रखना चाहते हैं आप इसे इतना रख लें यहाँ से इसकी शेडो को। मैं यहाँ इसे इतना ही रख रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर हमें ए पर क्लिक करके इसे कॉर्नर पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ से हमें टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट वाली लाइन पर क्लिक करके इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे इस तरीके से। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से हमें ऊपर कॉर्नर में इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा ए आए कैसे। तो यहाँ से मैं स्लाइड डाउन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ए एंटर इस तरीके से स्लाइड डाउन करते हुए होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है इसके बाद यहाँ से हमें टेक्स्ट वाली लाइन को इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर रखने के बाद, इतना आगे रखने के बाद यहाँ से हमें लेयर के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने कॉर्नर पर स्टिकर पर क्लिक करना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एप्पल वाला स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे खींच के इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद और इसके बाद यहाँ से हमें अपनी टेक्स्ट वाली लाइन और एप्पल वाली लाइन के एंडिंग पॉइंट को इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अगेन आपने एप्पल वाली लाइन पर क्लिक करके शेडोज़ पर क्लिक करना है। शेडोज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम बॉक्स पर क्लिक करके शेडो का कलर ब्लैक कर लेंगे और यहाँ से हमें
और इसके बाद हमने टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है। मार्क पर क्लिक करने के बाद अगेन हमें, और इसके बाद यहाँ से हमें एप्पल पे क्लिक करके इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर भी हमें स्लाइड डाउन वाला इफेक्ट लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ से हमें ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लेयर के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है एप्पल। एप्पल टाइप करने के बाद यहाँ से आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और अब हम इसका कलर चेंज करके रेड कर देंगे। रेड करने के बाद हमने यहाँ से टिक मार्क पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ से हमें कॉर्नर पर आ जाना है, और यहाँ से हमें शेडोज़ वाली लाइन पर क्लिक करना है। शेडोज़ वाली लाइन पर क्लिक करके यहाँ से हम इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम इसके शेडो को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे इन लाइन्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम एप्पल वाली लाइन पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इन तीनों लाइनों की एंडिंग पॉइंट को इस तरीके से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा ए एंडिंग पॉइंट बराबर होना चाहिए। पहले हमारी ए वाली लाइन जो होगी, फिर एप्पल वाली, और उसके बाद टेक्स्ट वाली। तो आपने इस तरीके से इसका सेटअप बना लेना है। सेट करने के बाद मैं आपको चला के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम इसे प्ले कर लेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शो होगा ये हमें। और इसके बाद हमें ए वाली लाइन पर क्लिक करना है। ए वाली लाइन पर क्लिक करके हमने ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट हुई हुई लाइन को हमने लॉन्ग प्रेस करके आगे इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद हमने नीचे भी इन दोनों लाइनों को इसी तरीके से प्रेस करके ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, और इन दोनों लाइनों के एंडिंग पॉइंट को बराबर करके इस तरीके से हमें सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट थ्री लाइन की सेटिंग की है, इसी तरीके से हमने इन थ्री लाइंस की भी सेटिंग कर लेनी है। अब जो फर्स्ट थ्री लाइन है वहाँ पर तो हमारा सही है ए फॉर एप्पल, लेकिन जो हमारे पास सेकंड थ्री लाइन है अगेन वहाँ ए फॉर एप्पल आ रहा है। हमने अब इसको चेंज करके क्या करना है, इसको हमने बी फॉर बॉल करना है। ये करने के लिए हमने ए वाली लाइन पर क्लिक करना है। ए वाली लाइन पर क्लिक करने के बाद हमने ऊपर कीबोर्ड पर क्लिक करना है। कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ए को रिमूव करके यहाँ पर हमने बी को टाइप कर लेना है। बी को टाइप करके यहाँ से हमने ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बी टाइप हो चुका है। अब हमने एप्पल वाली लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ से हमने एप्पल को रिमूव करके बॉल वाला स्टिकर यहाँ से ले लेना है। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद हमने यहाँ से एप्पल पे क्लिक करना है। एप्पल पे क्लिक करके कीबोर्ड वाली लाइन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से हमने एप्पल को रिमूव करके बोल टाइप कर लेना है। बोल टाइप करने के बाद यहाँ से हमें ओके पे क्लिक कर देना है। अब जिस तरीके से हमने ए वाली तीनों लाइनों को डुप्लीकेट करके आगे सेट किया था, और उसके बाद हमने इसे चेंज किया है, इसी तरीके से हमने बी वाली तीनों लाइनों को डुप्लीकेट करना है, और इसी तरीके से हमने ये भी आगे सेट कर देना है, और इसके बाद हम बी को सी में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से बी पे क्लिक करना है। बी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कीबोर्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमने बी को रिमूव करके सी टाइप कर लेना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बॉल पर क्लिक करके कीबोर्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें बॉल को रिमूव करके स्टिकर पर क्लिक करके इमोजी केट के स्टिकर वाली इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ओके पर क्लिक कर देना है। अब मुझे यहाँ पर केट की स्टिकर कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी क्यूट से केट की पिक्चर हो, ताकि बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अब मुझे चाहिए एक क्यूट से केट की पिक्चर जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो, तो वो मैं कहाँ से लूँगी? तो इसके लिए मुझे आ जाना है प्ले स्टोर में, यहाँ से एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं इस ऐप से इमेज डाउनलोड करना जिसका बैकग्राउंड, यहाँ पर ना एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर बैकग्राउंड हमें रिमूव हुआ हुआ मिलता है, और इतनी क्वालिटी वाइज और इतनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर आपको इमेजेस मिलेंगी। आपको बैकग्राउंड चाहिए हो या फिर आपको यहाँ से कोई भी इमेज चाहिए हो, आप वो यहाँ से ले सकते हैं, इसलिए मैं इस ऐप को यूज़ करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस ऐप को यूज़ करना, तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है और इमेज सर्च मैन सर्च करके ये वाली ऐप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके यहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है केट पीएनजी इमेज। केट पीएनजी इमेज सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेशुमार केट की पिक्चर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इन सब के बैकग्राउंड रिमूव है, तो हमें बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो केट की इमेज अच्छी लग रही है उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने अगेन काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अगेन ओपन करने के बाद आपने यहाँ से केट वाली स्टिकर पर क्लिक करना है, और कॉर्नर पर जो डस्टबिन का आइकन है उस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है, और यहाँ से वो केट की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो भी हमने डाउनलोड की है। सेलेक्ट करने के बाद उसे इसी जगह पे हमने सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पे हमें इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, और जिस तरीके से हमने सब पे स्लाइड डाउन का इफेक्ट लगाया था, इसी तरीके से हमने केट पर भी स्लाइड डाउन का इफेक्ट लगा लेना है। सेट करने के बाद यहाँ से आपने उसी तरीके से बोल को रिमूव करके केट टाइप कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाती हूँ कि आपने किस तरीके से इसे रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए हमने पहले वीडियो को अपने स्टार्ट पे ले आना है, और यहाँ पर इस माइक वाले आइकन पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही हमारी वॉइस ओवर कम्प्लीट हो जाए उसके बाद हमने यहाँ से स्टॉप कर देना है। एप्पल, एप्पल माने सेब। बी फॉर
अब ये तो हो गई कि हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली, इसके बाद हमने बैकग्राउंड पे कोई भी टून लगा लेना है। आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी कोई टून उठाकर लगा सकते हैं। वहाँ के टून लगाने से ये होता है कि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। मेरे पास एक यूट्यूब का टून डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करके वो टून सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है, और इसके बाद आपने टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। यहाँ से वॉल्यूम वाली आइकन पर क्लिक करना है, और इसकी वॉल्यूम को हमने 28 तक कर लेना है, ताकि हमारी जो वॉइस है वो ज़्यादा हो और जो टून है वो बैक पे स्लो चले। टून लगाने के बाद और वॉइस चेंज करने के बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देती हूँ। तो गाइज़ अब हम कर लेते हैं वॉइस चेंज। इसके लिए हमने वॉइस वाली लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कॉर्नर पर लिखा हुआ आ रहा है वॉइस चेंजर, हमने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वॉइस मौजूद हैं यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वॉइस सुना देती हूँ, तो आप अपने कार्टून के हिसाब से जो वॉइस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद ऊपर टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हमने वॉइस भी चेंज कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर सेव वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना। और इसके बाद मैं आपको दो तीन तरीके और बताती हूँ कि आप इसी टेम्पलेट को रखते हुए और दो तीन तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। गाइज़ ये वीडियो सेव करने के बाद हमने अगेन आ जाना है काइन मास्टर पे, और यही पेज ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें लेयर पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, और ये वाली इमेज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ से हमने इमेज वाली लाइन पे क्लिक करके इसे खींच के फुल वीडियो के एंड तक ले आना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टिक वाली इमेज कहाँ से ली है, तो इसके लिए आपने उसी ऐप को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको बताई थी, और आपने वहाँ पर जाके सर्च करना है टीचर हैंड स्टिक PNG इमेज। तो आपको इस तरह की बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। अगर आपको भी इस तरह की इमेजेस चाहिए अपने वीडियो के लिए, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने करनी है अपने टेक्स्ट की राइटिंग चेंज। इसके लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट वाली लाइन पर क्लिक करके डबल ए पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे फॉन्ट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन फॉन्ट्स चेंज करके दिखा देती हूँ कि आप किस किस तरीके के फॉन्ट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने स्टाइलिश फॉन्ट्स हमारे पास मौजूद है। हम हर वीडियो में इस तरीके से अलग फॉन्ट्स करके और इसका बैकग्राउंड चेंज करके इस तरह की हम एक ही टेम्पलेट बनाकर बहुत सारी वीडियोस एक ही टेम्पलेट से तैयार कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं कि आप और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ए पे क्लिक करके कलर के आइकन पे क्लिक करना है कॉर्नर पर, और यहाँ से हमने अपनी टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रखना चाहें तो आप अपने दोनों टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जस्ट एक का भी कर सकते हैं। तो ये सब चेंजिंग वगैरह करने के बाद मैं आपको अब इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने अपने ये जो हमारा पहले वाला बैकग्राउंड है वाइट कलर का, इस वाली लाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट के आइकन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमने मीडिया पर क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ से हमने अपना नेक्स्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने उसी ऐप से बैकग्राउंड डाउनलोड की है, मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर देती हूँ और आपको सेट करके दिखाती हूँ कि इसका कंप्लीट लुक कैसे लग रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करते ही हमारी नीचे की लाइंस भी शो होना शुरू हो गई, लेकिन हमारा बैकग्राउंड फिक्स नहीं है। इसके लिए हमने इस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करके हमने अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, बढ़ा लेना है। इस तरीके से पूरी स्क्रीन पर फिक्स करने के बाद हमने इस इक्वल टू पे क्लिक कर देना है। इस इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद हमने टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो जाएगा। और यहाँ हमने बैकग्राउंड वाली लाइन को इंक्रीज करके वीडियो के एंड तक ले आना है। एंड तक लेकर आने के बाद सेट करने के बाद अब हम अपनी इस वीडियो को भी अलग वॉइस चेंजर से अलग इस पर भी वॉइस लगा लेंगे हम, और फिर मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो भी प्ले करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कम्प्लीट रेडी है, मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देती हूँ। तो गाइस इस वीडियो को भी कंप्लीट रेडी करने के बाद आपने इसे भी सेव कर लेना है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया किस तरह से सारी सेटिंग्स होंगी, किस तरह से क्रिएशन होगी सारी। तो जनाब अब आ जाते हैं इस बात पे कि अलिफ बे वन टू और ABCD ये सारी क्रिएशंस करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेलो ऑफ टॉपिक्स हैं, नेम ऑफ कलर्स हैं, नेम ऑफ बर्ड्स हैं, नेम ऑफ एनिमल्स हैं, नेम ऑफ वेजिटेबल्स हैं, नेम ऑफ मंथ हैं, नेम ऑफ डे है, इस तरह की और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। इस तरह के और भी हज़ारों टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं। इस तरह के चैनल्स को आप सर्च करके वहाँ पर आप भी उनसे भी आइडिया ले सकते हैं।
दोस्तों आपने इस तरह की चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस पे व्यूज तो देख ही लिए होंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है, वीडियो बनाई है। आप इसको आराम सुकून से सीख कर मज़ीद बेहतर बेहतर बनाकर आप जो है ना काम कर बना कर अपना अच्छा खासा मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो अगर आपको क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपने कोई क्वेश्चन करना हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।